दोस्तों विराट और गंभीर की लड़ाई से करोड़ों फैंस का सर शर्म से झुक गया है। बीसीसीआई भड़क गई है, उठाएगी ठोस कदम। और विराट जितने धनाढ्य क्रिकेटर हैं उतने धनाढ्य रसिया भी हैं, कैसे जानेंगे आज। दोस्तों हमारे देश में क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आपको अपना बिहेवियर और कंडक्ट ठीक रखना चाहिए क्योंकि करोड़ों युवा आपको फॉलो करते हैं, आइडियलाइज करते हैं। अभी रिसेंटली आईपीएल के मैच के दौरान विराट और गंभीर के बीच जो लड़ाई हुई वो बहुत ही शर्मनाक थी। क्रिकेट फील्ड में जो देखने को मिला वो बहुत ही गलत मैसेज छोड़ता है, करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है, क्रिकेट के प्रति लोगों में हीन भावना पैदा हुई है। इतने दिग्गज खिलाड़ी और ऐसी छोटी हरकत करते हैं तो उनको शोभा नहीं देता। विराट तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनका कंपैरिजन महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से तक किया जाता है। और विराट जितने ही प्रसिद्ध अपनी बैटिंग को लेकर है उतने ही प्रसिद्ध वो अपने लव अफेयर को लेकर भी है। उनके ऊपर बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियां अपना दिल फेंक चुकी हैं क्योंकि वो इतने फेमस हैं पूरे दुनिया में, उनसे हर लड़की जुड़ना चाहती है। मजे की बात तो ये है दोस्तों, लड़कियां उनसे प्यार भरी मीठी लुभावनी बातें करके उन्हें इम्प्रेस करती हैं। उनको लड़कियों के पीछे नहीं भागना पड़ता, लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती हैं। लड़कियां तो विराट की दीवानी हैं, पर गंभीर मामले में भी विराट ने बहुत डिसेंसी दिखाई। गंभीर के बोलने पर क्या बोल रहा है बोल, कोहली ने बहुत ही शालीनता से रिप्लाई किया, जब आपसे बात नहीं हो रही है तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं। गौतम गंभीर भड़के और बोले, तूने मेरे खिलाड़ी को बोला है, मतलब मेरे परिवार पर उंगली उठाई है। इसके बाद भी विराट बहुत शालीनता से बोले, तो आप अपनी फैमिली को संभाल के रखें, मतलब अपनी फैमिली को बताएं सीनियर से कैसे कन्वर्सेशन किया जाता है। और यहां पर गंभीर ने रिप्लाई दिया, अब तू मुझे सिखाएगा कैसे बोलना है। इसके बाद दोनों में तू तड़ाक हुई, गाली गलौज हुई। इससे पहले की सिचुएशन बस से बदतर होती, ये दोनों एक दूसरे को मारने पीटने के लिए आते और खिलाड़ी आ गए और दोनों को अलग अलग किया। हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कोहली से वो ऐसी हरकत करेंगे, उन्होंने हमें बहुत ही निराश किया। इस पूरे मामले पर रवि शास्त्री ने कड़ी टिप्पणी की है और सुनने में आ रहा है बीसीसीआई ने दी दोनों को फाइनल वार्निंग। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, होगा बड़ा खुलासा। विराट जैसे क्रिकेट में चौके छक्के लगाने के लिए फेमस हैं, वैसे ही रिलेशनशिप में भी वो चौके छक्के लगाने के लिए फेमस हैं। इसके चलते हर लड़की यही चाहती है, अगर मेरा प्रेमी हो तो सिर्फ विराट कोहली हो। और विराट भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते लड़की को लुभाने के लिए। विराट इस कला में माहिर हैं, कैसे अपनी महबूबा को खुश किया जाए, चाहे वो महंगे से महंगे गिफ्ट हो और महंगे सी महंगी फॉरेन वेकेशंस हो। और विराट कोहली की सभी गर्लफ्रेंड बॉलीवुड एक्ट्रेस या मॉडल रही हैं क्योंकि विराट कोहली को लाइमलाइट में रहना बहुत पसंद है। इसी चलते विराट की सबसे पहली गर्लफ्रेंड सारा जैन डियाज थी, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल थी, वो उनको एक पार्टी में मिली थी और पार्टी में एक नजर में ही विराट को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गई और उनके मन में आवाज आई, अगर मेरा जीवन साथी हो तो विराट जैसा ही हो। विराट ने सारा के साथ 6 महीने साल भर टाइम पास किया, मजे किए, फिर एक नई हसीना आई संजना, जो कि एक इंडियन मॉडल और एक्ट्रेस थी। फिर विराट ने वही सब किया जो अभी तक करते आ रहे हैं, मजे लिए 6-7 महीने और उसके बाद संजना को भी टाटा बाय बाय कर दिया। संजना के बाद विराट की लाइफ में तमन्ना भाटिया आई और तमन्ना के बाद इसिबले और उसके बाद मनशा बहल और फिर अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा अभी तक जितनी भी एक्ट्रेस आई थी उनसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, इसी कारण विराट ने उनके साथ अपनी शादी की। वीडियो में आगे आने वाला है बीसीसीआई की वार्निंग जो विराट और गंभीर को दी गई है, पर उससे पहले रिया चक्रवर्ती और सुशांत की वीडियो को जरूर देखना। रिया ने किए रोडीज में बड़े बड़े खुलासे, लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। और रिया सुशांत की वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। रवि शास्त्री जी कहते हैं, जब भी खिलाड़ी मैदान में होता है ऐसी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन इस नोकझोंक के होते खिलाड़ी को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उसे कभी लाइन नहीं क्रॉस करनी चाहिए। समझदार खिलाड़ी की पहचान यही होती है कि जो भी इशू हो वो अपने में आपस में एमिकेबली रिजॉल्व कर ले और बात को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, यही एक मैच्योर प्लेयर से एक्सपेक्ट किया जाता है और यही एक मैच्योर प्लेयर की निशानी होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले किसने क्या बोला, दूसरे ने उसको जवाब में क्या जवाब दिया,
समझदारी इसी में है कि वक्त रहते चलते मैच्योरली स्मार्टली चीजों को हैंडल करा जाए। और ये जो लड़ाई है ये इन दोनों प्लेयर्स के बीच में नहीं है, इसको पूरी दुनिया, पूरा देश कैमरा पर सब लाइव देखते हैं, जिससे प्लेयर्स की इमेज तो खराब होती ही है और साथ में कंट्री और स्पोर्ट्स की इमेज भी खराब होती है। इस पर BCCI ने कड़ी निंदा करते हुए टिप्पणी की है, इस बार तो दोनों की फीस काटी है, लेकिन आगे चलते ऐसा बिहेवियर दोबारा देखा गया तो दोनों को मैच से सस्पेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना BCCI क्या सख्त एक्शन ले ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो। वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन में सारी वीडियोस सुशांत की डाल दी है जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया है, आप भी उनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। और साथ साथ सुशांत की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।